हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केवीज किचन। ऑमलेट, जब भी ऑमलेट का नाम आता है तो ख्याल आता है कि बढ़िया अंडा कटा हुआ हो, उसमें बारीक बारीक प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च, बारीक टमाटर कटे हुए हों और अच्छे से फेंट करके अंडे का ऑमलेट बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 साल से हमको अंडे से हो गई है एलर्जी, तो हम अंडा खा नहीं सकते। बच्चे ऑमलेट खाते हैं अंडे का, तो हम अपने बेसन का चीला या मूंग का चीला बना देते हैं। तो अंडा तो खा नहीं सकते, लेकिन उसकी फील तो ले ही सकते। तो हमने आज बनाया है बिना अंडे का ऑमलेट, मूंग का ऑमलेट। तो चलिए बनाते हैं मूंग का ऑमलेट, या उसको हम ये भी कह सकते हैं हम बना रहे हैं मूंगलेट। तो मूंग की दाल का ऑमलेट बनाने के लिए हमने एक आधा कप मूंग की दाल धो करके और इसको एक घंटे पहले इसको पानी में भिगो दिया था। अब आप इसको छान करके और पीसेंगे। ऑमलेट में डालने के लिए हमने बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया हुआ। हम इसमें नमक और हल्दी भी डालेंगे और हमने लिया है तीनों फ्रूट सॉल्ट, जो कि अंडे की जैसी फ्लफिनेस देगा। तो आइए सबसे पहले हम मूंग की दाल को पीस लेते हैं। ये इसको हमने छान लिया है, पानी पूरा ड्रेन आउट हो गया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमारी मूंग की दाल पिस गई है। हम इसमें हम डाल देंगे एक हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं प्याज, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च, हमारा ये ऑमलेट का बैटर तैयार हो गया। अब चलिए ऑमलेट बनाते हैं। ये हमने एक फ्लैट पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, हम ऑमलेट बटर में प्रेफर करते हैं। ये बटर हमारा गर्म हो गया है तो हम आँच सिम पे कर देंगे। अब इस ऑमलेट को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा बटर गर्म हो गया है, बिल्कुल तैयार है। तो हम करीब इसमें आप ये 2-2.5 बड़े स्पून हमने इसमें ये छोटे इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें 1/2 स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट ये डालते हैं और इमीडिएटली थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए। और हम इसको इमीडिएटली डाल देंगे अच्छे से फैला देंगे। देखिए कितना फ्लफी बनेगा ये ऑमलेट। बस इसको हम आंच मीडियम पे करके और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए ये इसने ये पक गया अच्छे से, नीचे से इसने छोड़ दिया है, इसमें थोड़ी सी ऊपर से बटर और डाल के और अब हम इसको एक बार पलट देते हैं। वाह वाह, क्या बढ़िया ऑमलेट बना है भाई। बस अब इसको हम वही सिम पे करके और इसको भी ढक करके फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कितना फ्लफी बना है ये ऑमलेट, बिल्कुल ऑमलेट का मजा दे रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हो गया
तो ये हमारा मूंग का ऑमलेट बन गया। अब हमारा आज का ब्रेकफास्ट पूरा हो गया। दो ऑमलेट बन गए, आधा कप दाल में टेस्ट मूंग का देगा और इसका फ्लफीनेस देखिए, बिल्कुल अंडे अंडे को मात कर रही है। वाह 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 वाह, ये देखिए सच लवली फ्लफनेस। बिल्कुल ऑमलेट का टेक्सचर है पर टेस्ट मूंग का है। तो अगली बार जब आपको मूंग का चीला बनाने का मन हो तो आप मूंग के चीले की जगह मूंग का ऑमलेट बनाइए। टेस्ट मूंग का है लेकिन फील और फ्लफीनेस अंडे के ऑमलेट की। तो आप इस डिश को बनाइए और आपको कैसी लगी ये अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हम हर सैटरडे को जो अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक में पहुंच जाए। आप हमको फेसबुक ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो गाइस, मेक एंड एंजॉय मूंगलेट। थैंक यू।